यह है सैमसंग का F54 मोबाइल, जो अभी लेटेस्ट जो है सैमसंग द्वारा लॉन्च हुआ है। देखिए हमें जो है इस तरीके के बॉक्स में ये हमें मिला हुआ था। हमें इसमें जो है एक कुछ इसके जो है कैटलॉग मिले हुए थे, जिसमें इसमें मोबाइल के बारे में लिखा हुआ है। बाकी जो है एक सिम इजेक्टर पिन मिली हुई है, ये जो है सिम डालने के काम आएगी। और बाकी इसमें ठीक है, ये सैमसंग जो गैलेक्सी F54 है इसमें जो है कुछ कंपनी द्वारा चेंजेस किए हुए हैं। ये देखिए ये 25 वाट PD अडेप्टर है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये टाइप सी केबल है। पहले जब जो पुराने जो कनेक्टर थे यहाँ पर हमें ए टाइप का कनेक्टर मिलता था, लेकिन इस बार कंपनी ने चेंज करके यहाँ पर सी टाइप कनेक्टर दे दिया है। तो इधर भी सी टाइप कनेक्टर, सी टाइप टू सी टाइप कनेक्टर का इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ है। यह एक सुपर सोनिक चार्जर है जो टाइप सी को सपोर्ट करता है और 25 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सैमसंग F54 की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। यहाँ पर साइड में जो है आपको फिंगर प्रिंट सेंसर मिल जाता है। पुराने मोबाइल में हमें जो है कुछ मोबाइलों में यहाँ पर फिंगर प्रिंट मिलता है, लेकिन इस वाले मॉडल पर आपको यहाँ पर फिंगर प्रिंट सेंसर मिलेगा। यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। फिंगर प्रिंट सेंसर को जो है ना आप इससे ऑन ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ पर जो है कैमरा है और यहाँ पर जो है टाइप सी चार्जिंग केबल है। इसमें आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, एक छोटा सा यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो है 3.5 mm का जो है जैक नहीं मिलेगा। अगर 3.5 mm जैक होता तो आप कोई भी एक्सटर्नल जो है एयरफोन को यूज कर सकते थे। अब इसमें आपको ब्लूटूथ एयरफोन जो है यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है सिंगल स्पीकर दिए हुए हैं। कुछ मोबाइल पर जो है डबल स्पीकर होता है, लेकिन कंपनी द्वारा यहाँ पर सिंगल स्पीकर दिया गया है। यह एक काफ़ी अच्छा मोबाइल है। यह एक सुपर एमोलेड प्लस जो है मोबाइल है। साइड पर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट मिलेगा और ये इसकी पिन साथ में मिली हुई है, जिसमें आप दो नैनो सिम लगा सकते हो या एक सिम कार्ड लगा सकते हो नैनो सिम का, या SD कार्ड लगा सकते हो, या दोनों ही जो है नैनो सिम कार्ड लगा सकते हो। ऊपर यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट, ब्लूटूथ, फ्लाइट मोड, टॉर्च, मोबाइल डाटा। देखिए मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि लिंक टू विंडो। आप जो है आप इसको जो है किसी भी लैपटॉप से या डेस्कटॉप से जोड़ सकते हो। एक माइक्रोसॉफ्ट की स्टोर करके ऐप है, वहाँ से आप जो है मोबाइल लिंक को वाली ऐप को डाउनलोड करके लिंक टू विंडो ऑप्शन में उस इस तरीके से डेस्कटॉप को आप लिंक कर सकते हो। और साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डर भी है इसमें और GPS भी है। मुझे इसमें डॉल्बी एटमॉस था, मैंने इसे ऑन कर लिया। इसे ऑन करते जो है साउंड में काफ़ी अंतर आ जाता है, साउंड काफ़ी अच्छा जो है सुनने को दिखाई देता है। आई कम्फर्ट शील्ड है, नियर बाई शेयर कर सकते हो आप। स्मार्ट व्यू है, डार्क मोड है और बाकी काफ़ी ऑप्शन है इसमें। वॉइस एक्सिस, ये ऑप्शन वॉइस एक्सिस का है, इसे जब जो है मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। जैसे हम वॉइस एक्सिस में जाते हैं, अब हम इसमें बोलते हैं ओपन यूट्यूब। देखिए इस तरीके से इसने हमें यूट्यूब खोल के दे दिया है। फिर हम वापस बैक जाते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं ओपन फेसबुक। देखिए ये काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन है, इसने हमें फेसबुक भी खोल के दे दिया है। देखिए सेटिंग में डिस्प्ले ऑप्शन के मैं जाकर एच पैनल को ऑन करते ही आपको जो है यहाँ पर पैनल ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको कई पैनल जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप कोई भी पैनल चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एक पैनल चूज़ किया तो बैक आते हैं और उसको मैंने यहाँ पर जो है ऑन ऑफ बटन के यहाँ पर रखा तो ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप शॉर्टकट की हमें पैनल ऐड करने से मिल जाती है। दूसरा पैनल मैंने ये जो है रखा है, काफ़ी अच्छी जो है कंपनी द्वारा सैमसंग द्वारा इस मोबाइल में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं।
इसमें प्रोसेसर की बात करी जाए तो सैमसंग एक्सिनोस 1380 आपको मिल जाता है, ऑक्टा कोर 2.4 GHz क्वाड कोर प्लस 2 GHz क्वाड कोर, 8 GB की रैम मिल जाती है इसमें आपको, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है जिसे आप 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो, और पिक्सल इसमें 180x2400 पिक्सल और 393 PPI, और साथ ही आपको इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यह एक बेजललेस और विद पंच होल डिस्प्ले है, और जहां तक इसके एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 20.9 और ब्राइटनेस में 800 nits की मिल जाती है, और रियर कैमरा जो है इसका 108 MP है जो OIS को सपोर्ट करता है, जिसमें आपको 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही इसमें 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP माइक्रो कैमरा LED फ्लैश के साथ मिलेगा जो 4K वीडियो को सपोर्ट करता है, और जो 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, जो आप इसमें 4K करेंगे तो 30 FPS को सपोर्ट करेगा। ठीक है, कैमरा इसमें जो है 108 MP जो है 10x डिजिटल को सपोर्ट करता है, फिर OIS 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP माइक्रो। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 MP वाइड एंगल लेंस जो फ्रंट में भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। इसमें आपको जो है इसमें जो शूटिंग मोड में आपको HDR इनेबल है, और स्लो मोशन सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। HDR 10 में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, HDR 10 का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है, और साथ ही जो है इसमें काफ़ी ऑप्शन है, देखिए फन पोर्ट्रेट फोटो वीडियो मोर में जाकर आपको जो है ना सुपर स्लो मोशन हाइपरलैप्स का भी इसमें ऑप्शन है। हाइपरलैप्स एक जो है हाइपरलैप्स में भी आप इसमें फ़ोटो खींच सकते हो काफ़ी। इसमें देखिए सिंगल टेक पनोरमा फूड प्रो वीडियो प्रो मोड काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे, एयर जोन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक इसमें सेंसर की बात करें तो लाइट सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्सेलेरोमीटर कंपास जायरोस्कोप सारे सेंसर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और 5 ईयर का आपको सिक्योरिटी अपडेट भी इसमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा मोबाइल है, एक 30,000 के बजट में जो है आपको एक अच्छा मोबाइल मिल जाता है। लेकिन मुझे जो है चार्जर इसमें कंपनी द्वारा नहीं दिया गया था, जिसे मुझे जो है अलग से जो है इसे परचेज करना पड़ा, सिर्फ इसमें हमें जो है कंपनी द्वारा केबल हमें मिली हुई थी। तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। अगर बैक कवर की बात करें तो प्लास्टिक बैक कवर हमें इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हमें जो है गोरिल्ला 5 ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है डिस्प्ले में, साथ ही हमें इसमें 6000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है। अब इसमें सेटिंग ऑप्शन में जाकर पाम जेस्चर के थ्रू जो है पाम जेस्चर को एक्टिवेट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड V13 हमें देखने को मिल जाएगा। यह एक 6.7 इंचेस में एक काफ़ी बढ़िया मोबाइल है, सुपर एमोलेड प्लस। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेते हैं, टेक केयर, बाय बाय।